फेवरेट प्लेस पे बैठा हुआ है। रयान लेट्स गो डाउन, चलो आजो नीचे, भैया जा आने वाला स्कूल से, आजो रयान, कम वी गो डाउन, कम, बहुत देख लिया बाहर आपने, चलो आजो नीचे, अब आजो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, उस दिन जो लास्ट वीडियो लुब्धा ने अपलोड की थी इम्प्योर बेसन के पकौड़ों वाली, तो उस दिन हमें भी बहुत शौक पहुंचा कि इतनी ना खालिश बेसन है स्टोर वालों ने दी है, तो आज लुब्धा ने कहा कि की वाले से लेके आना ताकि वो ना प्योर बेसन ना वो पीसते हैं, तो आज मैं वो लाया, तो देखते हैं कि लुब्धा इज ट्राइंग टू मेक द पकौड़ा अगेन टूडे, तो ओवर टू लुब्धा नाउ। और ये मिक्सर मेरा रेडी हो गया है, तो आज हम दोबारा से पकोड़े बनाने लगे हैं, और ये मेरी चटनी साथ में जो रेडी हो रही है, तो देखते हैं कि आज जो है वो हमारा जो आज पकोड़े की रेडी है वो कैसे बनेगी। तो आप लोग सोच रहे हो मैं बार बार पकोड़े बना रही हूँ, ऐसा नहीं, मैंने सालन भी बनाया है, आलू मटर का जो है वो मैंने सालन बनाया है, और साथ में जो मैंने सोचा कि पकौड़े बना रहे हैं, पकौड़े बनाते हैं और आपको डालने लगी हूँ ऑयल में, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और मैं इसमें पकौड़े डालूँगी। आजकल जैसा कि आपको पता है सर्दियाँ हैं शुरू हो गई हैं और दिल करता है कि शाम को पकौड़े हों लाजमी, तो साथ में मैं रोटी बनाऊँगी और सालन भी है, तो हम इंजॉय करेंगे आज है। वो हमारे रेडी हो चुके हैं और कुछ जो मैंने अभी डाले हुए हैं, तो सबसे पहले मैं फैसल को जो है वो एक चखाऊंगी, ये देखें, ये खा के देखें सही बन गया, नमक मिर्च वगैरह सही है इसमें। तो इस वजह से बहुत अच्छे और मजे के बने, तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग पकौड़ास फॉर मी, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा जो है वो यहाँ पर है, दूसरे पकौड़े जो है वो अभी बन रहे हैं और बेसन थोड़ा सा रह गया है, इसको भी मैं फिनिश करूँगी और फिर रोटियाँ बनाऊँगी। रयान बेबी का काला चा ने टेडी बेयर के साथ खेल है, राउंड 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 बस यही करता रहता है, सिट डाउन यू विल फॉल डाउन, सिट सिट बेबी बेबी यश मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, टेलिंग अ लाई नो मामा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ये मैं हूँ और ये मेरी गोल गोल रोटियाँ हैं और यहाँ पर रोटियाँ तैयार हो रही हैं और चूल्हा जो है वो हमारा बहुत आहिस्ता चल रहा है, गैस जो है वो बहुत, देखिए कैसी आ रही है, तो घंटा हो गया मैं इस तरह खड़ी हुई रोटियाँ पका रही हूँ। मिक्स वेजिटेबल और ये अब्दुल रहमान खाना खा रहा है। हैंड वॉश किए थे आपने? और ये मेरा बेबी भी खा रहा है, ये मेरा बेबी देखो, ये देखो खा रहा है, ये कैसे खा रहा है, मोबाइल मोबाइल के साथ पोएम और पोएम के साथ रयान, हर मासिल के साथ पानी। चले मैं अभी शुरू करती हूँ खाना। इस वक्त मैं बताऊंगी कि रयान जो है वो किस तरह से खेल रहा है, और देखिए खेलते खेलते इसने कितना मैस मचा दिया, नीचे सारे कुशन और तकिए वगैरह नीचे फेंक दिए हैं। रयान व्हाट यू डिड दिस ऑल मैस, व्हाट व्हाट, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इसकी बोली, क्या बोलना चाह रहा है ये, व्हाट यू डिड दिस ऑल मैस डाउन, कैरी इट, पिक इट अप, कीप इट अप, कम डाउन, कम कम डाउन, कम कम। पहले तो ये बिल्कुल भी जो है वो कैमरे को नहीं देखता था, लेकिन आई कांटेक्ट जो है वो पहले नहीं करता था, अब काफ़ी माशाल्लाह इसकी आई कांटेक्ट जो है वो बेहतर है और समझने की कोशिश करता है और कुछ कुछ अपनी बोली में बोलता भी है। ये रयान, ये मेरा बहुत प्यारा बेबी है, भाई की बेल्ट देखिए हाथ में पकड़ी हुई है और इसको ऐसे घुमा घुमा के घुमा घुमाते कोई भी चीज़ को मिल जाए बस हाथ में पकड़ के तो वो घुमाता रहता है उसको, और ये सारा मैस जो है वो अभी मैंने कमरा साफ़ किया और इसने सारा मैस मचा दिया।
घर की ग्रॉसरी कुछ ख़त्म हो गई थी और हम आज गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए, तो जब महीना का एंड हो जाता है ना तो फिर ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर दोबारा से लेकर आनी पड़ती हैं। तो अभी जो है वो रियान का डायपर ख़त्म हो गया था और इसका डायपर लेकर आई हूँ मोना पापा। पहले मैं जो थी वो रॉकेट यूज़ करती थी, लेकिन उसके बाद उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई, तो अब जो है वो मैं मोना पापा लेकर आती हूँ। तो ये जो है वो बहुत बेस्ट पैम्पर है। बाकी इसके अलावा ऑयल ख़त्म हो गया था और ऑल पर और चाय की पत्ती का जो डब्बा है वो वैसे तो मैं हम लोग मंथ का लेकर आते हैं, तो अभी वो ख़त्म हो गया था और इसका तेज दम का। और उसके अलावा ये कोटा जो है हमारा रात का खाने का जो होता है ये साथ में अब्दुलमान ले आया है। और इसके अलावा नेशनल जो है वो मैं पुलाव लेकर आई हूँ। और इसके अलावा ये टिश्यू पेपर है, वाइप्स है हरियान के, और ये कॉफ़ी आई थी नहीं तो मैंने सोचा चले ले लेते हैं। पिंक टी ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा था ये बनाऊंगी कश्मीरी चाय। वैसे तो बड़ी मेहनत से बनती है लेकिन ये एवरीडे की आई है नहीं, तो मैंने कहा था लेट्स सी इसको हम ट्राई करेंगे और देखेंगे ये इस किस तरह से बनती है। और उसके अलावा जो है वो ये लेकर आई थी मैं, एक ये कॉफ़ी लेकर आई थी, ये भी नई है और ओरिजिनल है कॉफ़ी ये, तो ये भी टेस्ट करेंगे ये कैसा है तो फिर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये रयान का बिस्किट है एक, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हम लेकर आए हैं। और आप यकीन करें कि इसमें भी हमारे जो है वो 2000 लग गए हैं, हालांकि क्या चीज़ें कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है ना कि बस इंसान के पास की बात नहीं है चीज़ें लेना। चलें तो अपना व्लॉग यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।